खबर सुल्तानपुर से है, जहां दिनांक 23 फरवरी 2021 को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने कल दिन भर सोशल मीडिया व प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रही खबर का खुलासा किया, जिसमें कुड़वान थाना क्षेत्र में स्कूल जा रही दो बच्चियों को किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जहर खिलाने के संदर्भ में एक वीडियो जारी कर अवगत कराया और पूरी घटना को स्पष्ट किया। बताते चले कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने एक वीडियो जारी करते हुए अवगत कराया कि कल थाना कुड़वार के अंतर्गत दो लड़कियां क्रमशः 13 साल और 14 साल अवस्था की साइकिल से स्कूल जा रही थी, जो उनके घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बच्चियां स्कूल पहुंचने के बाद वह बेहोशी होने लगी। उनकी कक्षा में पढ़ा रही अध्यापिका ने प्रिंसिपल को सूचित किया, जहां एक प्राइवेट डॉक्टर के यहां ले गए। वहां भी उनकी स्थिति में बहुत सुधार न होने पर उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स द्वारा उन्हें उल्टी कराई गई। हल्की बेहोशी होने की स्थिति में उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां KGMU के ट्रॉमा सेंटर के जहर खुरानी वार्ड है, जिसमें एडमिट किया गया। उनकी ब्लड रिपोर्ट में कल रात और सवेरे की रिपोर्ट में कोई भी जहरीला पदार्थ नहीं पाया गया, वो नॉर्मल है और उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। बताते चले कि पुलिस अधीक्षक ने घटना के संदर्भ में यह स्पष्ट किया कि इस घटना को गहराई से जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि उन बच्चियों के एक बैग से एक दवा अल्प्राजोलाम बरामद हुई है, जिसकी 5 गोलियां एक रैपर में है, जिसमें 4 कंज्यूम की गई है, 1 गोली उसमें खराब है। इस संबंध में यह भी ज्ञात हुआ कि लड़कियों ने इसमें से 2-2 गोलियां खाई थी। यह एक नींद की दवा है जो कि प्रतिबंधित है। इसके प्रथम दृष्टया इसमें प्रतीत होता है कि इसके प्रभाव के कारण ही उन्हें वहां पर शिथिलता महसूस हुई, जो बाद में बेहोशी में कन्वर्ट हुई और उल्टी कराने के बाद बच्चियां सामान्य हो गई। बताते चले कि पुलिस अधीक्षक ने घटना के संदर्भ में यह स्पष्ट किया कि इस घटना को गहराई से जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि उन बच्चियों के एक बैग से एक दवा अल्प्राजोलम बरामद हुई है, जिसकी 5 गोलियां एक रैपर में है, जिसमें से 4 कंज्यूम की गई है, 1 गोली उसमें खराब है। इस संबंध में यह भी ज्ञात हुआ कि लड़कियों ने इसमें से 2-2 गोलियां खाई थी। यह एक नींद की दवा है जो कि प्रतिबंधित है। इसके प्रथम दृष्टया इसमें प्रतीत होता है कि इसके प्रभाव के कारण ही उन्हें वहां पर शिथिलता महसूस हुई और जो बाद में बेहोशी में कन्वर्ट हुई। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। सर, कुड़वार में क्या घटना हुई थी? कल थाना कुड़वार के अंतर्गत दो लड़कियां क्रमशः 13 साल और 14 साल अवस्था की साइकिल से अपने स्कूल जा रही थी, जो उनके घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। स्कूल पहुंचने के बाद वो बेहोश सी होने लगी, जिस पर उनकी कक्षा में पढ़ा रही अध्यापिका ने प्रिंसिपल को सूचित किया और प्रिंसिपल उनको एक प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ ले गए। वहाँ भी उनकी स्थिति में बहुत सुधार न होने पर उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स द्वारा उन्हें उल्टी कराई गई। हल्की बेहोशी होने की स्थिति में उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। KGMU के ट्रॉमा सेंटर के जो जहर खुरानी वार्ड है, उसमें उन्हें एडमिट किया गया। उनकी ब्लड रिपोर्ट में कल रात और आज सवेरे की रिपोर्ट में कोई भी विषाक्त पदार्थ नहीं पाया गया है, वो नॉर्मल हैं और उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। इस घटना के बारे में गहराई से जांच करने पर यह भी ज्ञात हुआ कि उसके बैग से उनमें से एक लड़की के बैग से एक दवा अल्प्राजोलाम बरामद हुई है, जिसकी 5 गोलियों की एक रैपर है, जिसमें 4 कंज्यूम की गई हैं, 1 गोली उसमें इंटैक्ट है। इस संबंध में ये भी जानकारी मिली है कि लड़कियों ने इसमें से 2-2 गोलियां खाई थी। ये नींद की दवा है जो प्रतिबंधित है। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। नाम अंकित पोद्दार, डांस ट्रेनर, उम्र 20 वर्ष, रंग गेहुआ, कद लंबा, पता 33/34A के छित्तूपुर सिगरा वाराणसी कबीर नगर दुर्गा कुंड डांस क्लास से ये नव युवक लापता है। जिससे भी ये नव युवक दिखाई दे या इनका पता चले तो कृपया संपर्क करें 8953831247 पर। मेरा नाम क्रांति पद्दार। कहाँ से? सिगरा से। क्या समस्या है आपकी? मेरा समस्या यही है कि मेरा 20 साल का लड़का डांस टीचर था, अंकित कुमार पद्दार उसका नाम है,
डांस क्लास से लपता है 16 मार्च को, अभी तक मिला नहीं वो। किस जगह से लपता है? कबीर नगर दुर्गा कुंड से। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि मेरा लड़का मिल जाए। हम इस चीज को भेलपुर थाना FIR भी करवाए हैं। कैसा दिखता है लड़का आपको? कुछ है आपके पास फोटो वगैरह दिखाई? हाँ, फोटो वगैरह है मेरा लड़का का। ये है लड़का मेरा, रंग में गेहूं रंग है, लंबा है। जिस दिन लपता हुआ है लड़का, उस दिन ये मेरा लड़का ये रेड कलर की टी शर्ट, काला लोवर, जैकेट में लपता है। उम्र इसकी 20 साल है। नाम हम यही चाहते हैं मेरा लड़का मिल जाए जहाँ भी हो। प्रशासन से भी हम यही अपील करते हैं कि इस चीज को थोड़ा तेजी रफ्तार में जांच किया जाए। साल एक साल होने वाला है, 2020 में मेरा लड़का लपता हुआ है, 2021 आ गया, अभी तक कहीं से कुछ सुनवाई नहीं हुई है, ना मेरा लड़का कुछ पता चला है। आप अपने बेटे के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, संदेश देना चाहेंगे यही कि मेरा बेटा जहाँ भी है, अंकित तुम जहाँ भी हो बेटा, हमसे अगर कोई गिलास की बात हुई है मम्मी पापा से, उस चीज को भूल के अपने घर आ जाओ।